नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर में फ्रेंड्स जैसा कि इसका टाइटल बोलता है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजंस, इसके बारे में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स काफी चीजें आपको पता चलेंगी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि लाइफ इन द अमेज़न बेसिन में किस तरीके की लाइफ है, किस तरह के घरों में लोग रहते हैं, रेन फॉरेस्ट के बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन, फ्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन थोड़े बहुत उसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे आपको, और जो इसके बाद डिटेल्स बताऊंगा यहाँ पे किस किस तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, किस किस तरीके के जानवर मिलते हैं यहाँ पे, कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, इस तरीके की चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जानने की मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिपीटेड हो सकती है अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज देखे हैं, बट फिर भी इसको एक कंटिन्यूएशन में लेने के लिए इसको हम लोग देखते हैं। चैप्टर का टाइटल आपने देख लिया। अच्छा, शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे इतना बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं जाएगा, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही वीडियोस मेरी YouTube मेरी वीडियोस को रिकमेंड करेगा अपने एल्गोरिथम में। साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप इन बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर आप इन बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, रेणुका की बात हो रही है। रेणुका एक लड़की बहुत एक्साइटेड है, उसके अंकल है श्रीकांत अंकल, वो 4 महीने के बाद घर आए हैं। उसके श्रीकांत अंकल का प्रोफेशन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, तो वो दुनिया भर में घुमा करते हैं। ये वही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो कि जिसका रोल एक माधवन ने प्ले किया था 3 इडियट्स में। तो इनका काम क्या होता है कि भाई दुनिया भर के जंगलों में घूमो और वहां पे जाके वाइल्ड लाइफ की फोटो लो। तो चूंकि रेणुका के अंकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है तो रेणुका का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वाइल्ड लाइफ में आ गया है। एट एन अर्ली एज ही वो वाइल्ड लाइफ की पिक्चर्स ये सब चीजें देखने लगी थी और दूर दूर उसकी फोटोज होती हैं वो दिखाते थे उसके अंकल उसको, उससे वो हमेशा फैसिनेट होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फोटोज दिखा रखे हैं पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये देख के लग रहा है कि कुछ लंदन या फिर रशियन टाइप का गेटअप है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जापानीज लोग नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे चाइनीज लोग नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह यहाँ पे अफ्रीकन लोग नजर आ रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज के। अब देखिए इन पिक्चर्स में जो उसके अंकल ने उसको दिखाई थी, रेणुका को देखा कि भाई बहुत सारे अलग दुनिया के अलग अलग हिस्से के लोगों को देखने को मिला। कुछ लोग ड्राई डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ठंडी जगहों पर रहते हैं पोलर एरियाज में रहते हैं, कुछ लोग हॉट वेट रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, और सब लोग थोड़े थोड़े अलग लिख रहे थे। लेकिन भले वो थोड़ा देखने में अलग लग रहे हैं, उनका खान पान अलग हो, उनका पहनावा आप कह सकते हो कि थोड़ा अलग हो, बेसिकली उनको चाहिए एक ही चीज, 3 चीजें चाहिए होती हैं, चाहे इंसान कहीं पे भी रह रहा हो उसको 3 चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो हर जगह के लोगों को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट हमेशा चाहिए, उनको जीने के लिए खाना चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए। तो फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर श्रीकांत अंकल ने रेणुका को बताया होगा हर जगह के लोगों को चाहिए होता है। वहां के जो बच्चे हैं वो रेणुका की तरह गेम खेलते होंगे, आपस में लड़ते होंगे, डांस करते होंगे, अपने दोस्त अपनी फैमिली के साथ घूमते फिरते होंगे। खास बात यह होती है फ्रेंड्स की जो रेन फॉरेस्ट या फिर जो पोलर एरियाज में जो लोग रहते हैं वो नेचर के करीब रहते हैं। आजकल की डेट में बहुत सारी जो लाइफ हो गई वो सिटी लाइफ हो गई, लोग सिटीज में रहने लगे हैं, फ्लैटों में रहने लगे हैं, बहुत ज्यादा नेचर से इंटरेक्शन खत्म हो गया है। पेड़ कहीं कहां पर गार्डन में दिख गए तो दिख गए, वैसे नॉर्मली पेड़ भी नहीं दिखते हैं आजकल। लोग कहां पे नेचर में पास रहते हैं और वो नेचर के साथ दोस्ती करके उनको सस्टेनेबली इस्तेमाल करके रहते हैं। वो जो बच्चे होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे नेचर से उनका इंटरेक्शन ज्यादा है, वो खुद फिश पकड़ना जानते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से मटेरियल निकालना जानते हैं, जो अर्बन एरियाज में बच्चे रहते हैं जैसे ये रेणुका है उसको ये सब चीजें नहीं आती हैं। तो एक्चुअली इन चैप्टर्स 8, 9 और 10 में हम लोग यही देखने वाले हैं कि भाई जो लोग हैं वो अलग अलग जो नेचुरल रीजन से दुनिया के वहां पे कैसे रहते हैं। अब यहां पे देखिए अमेजॉन रिवर, आप यहां देखिए ये अमेजॉन रिवर आपको नदी समझ में आ रही है दोस्तों, ये कितनी बड़ी नदी है ये अमेजॉन, कुछ यहां से शुरू होके बहते 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 ये इधर आपका अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी, यहां पर इसका डेल्टा बनेगा। अमेजॉन नदी का डेल्टा मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके का बनता है। इस फोटो में देखिए जब ये नदी जाके अटलांटिक ओशन में गिर रही है फ्रेंड्स, देखिए बहुत एंड में कितनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट गई है, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग जाके इस अटलांटिक ओशन में अपने सेडिमेंट्स को जमा कर रहे हैं, बहुत बड़ा डेल्टा बनता है अमेजॉन नदी का। अमेजॉन नदी अपने आप में ही एक मैमथ नदी है। अब देखा जाए फ्रेंड्स अगर इस अमेजॉन नदी के बारे में बात करें तो जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स इस अमेजॉन नदी में अपनी बोट के थ्रू जगह जगह को ढूंढ रहे थे, पहले के समय की बात बता रहा हूं, अलग अलग जगह के एक्सप्लोरर्स निकलते थे तो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स इस अमेजॉन नदी में पहुंचे और इस अमेजॉन नदी में वो एक्सप्लोर कर रहे थे, चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो एक लोकल ट्राइब ने उनको अटैक किया जिसने हेडगियर्स पहन रखे थे, ग्रास की स्कर्टें पहन रखी थी। तो जब स्पेनिश इन लोगों ने
जब इनको इन ट्राइब्स ने अटैक दिया तो इनको याद आ गई कुछ उन फियर्स ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर्स की जो कि एंशियंट रोमन एम्पायर में रहती थी, इसको आप अमेजोन कहा जाता था, समझ गए फ्रेंड्स। तो दीज पीपल इन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को रोमन जमाने की वुमेन वॉरियर्स, फियर्स वुमेन वॉरियर्स का नाम आ गया, जिनको अमेजॉन्स बोलते थे। इन अमेजॉन्स को जो रोमन एम्पायर की फियर्स वुमेन फाइटर्स थी, इनको पॉपुलर कल्चर में भी डिस्प्ले किया गया है। एक एक्ट्रेस है गैल गैडोट नाम की, आपने इनका नाम सुना होगा, ये इजरायली एक्ट्रेस है। ये एक मूवी है वंडर वुमेन, वंडर वुमेन में इन्होंने एक्टिंग की है। तो इनको एज एक्चुअली इसी अमेजोनियंस की, जो अमेजोन की जो फियर्स ट्राइबल वुमेन थी जो कि लड़ती थी, उसका एक पार्ट दिखाया गया है। तो ये वंडर वुमेन में दिखाया गया है। एक जस्टिस लीग करके एक मूवी आई है, उसमें इनको दिखाया गया है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन द डॉन ऑफ द जस्टिस करके एक मूवी है, उसमें दिखाया गया है। तो पॉपुलर कल्चर में भी इन फियर्स वुमेन फाइटर्स को दिखाया गया है। अमेजोनियन वुमेन बोला जाता था उनको। ये जो डाइना का किरदार निकाया है इन्होंने गैल गैडोट ने वंडर वुमेन में, ये भी एक अमेजोन उसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ऐसा दिखाया गया। तो पॉपुलर कल्चर में भी इसको काफी डिस्प्ले किया गया है। अब हम देखते हैं लाइफ इन द अमेजोन बेसिन पे। देखिए अमेजोन बेसिन को यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये 0 डिग्री इक्वेटर नजर आ रहा है, इक्वेटर यहां से निकल रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो अमेजोन नदी का जो बेसिन है ना, ये बेसिन आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ज्यादातर हिस्सा इसका नजर आ रहा है, ठीक है। इक्वेटर के पास ये नदी बहती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में मैक्सिमम इलाका इसके बेसिन का पड़ता है, इसके अमेजोन नदी के। ओके, अभी कितनी इसमें कंट्रीज है इस पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में ये बहती है। अब चूंकि इक्वेटोरियल रीजन में बहती है, वहां पर सन हमेशा ऊपर होगा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर बारिश बहुत होती है दोस्तों। और ये जो नदी बहती है ना, ये वेस्ट के माउंटेन्स, यहाँ पे इक्वेटर, कोलंबिया, पेरू, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स के थ्रू बहती हुई फिर अटलांटिक ओशन ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे जाके गिरती है। रास्ते में भाई इसमें बहुत सारी नदियां मिलती है, तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो कि अलग अलग कंट्रीज होके निकलती है। और इसका माउथ आपको, ठीक है, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ, यानी अमेजोन जब जाके इस अटलांटिक ओशन में गिरेगी, ठीक है, तो वो इस रिवर का माउथ होगा जहां पे अटलांटिक ओशन में एंट्री मार रही होगी। अब हम बात करें कि भाई इस नदी का, अमेजोन नदी का बेसिन कहां कहां पे। तो अब बेसिन एक नदी का क्या होता है, बेसिन एक नदी का वो होता है कि वो जगह जहां से उस नदी की ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, प्लस वो बेसिन जहां पे उस अमेजोन नदी का पानी पहुंच के डिपॉजिट हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि एक नदी की वजह से जितना एरिया अफेक्ट होता है, उस वो पूरा उसके बेसिन में आ जाता है। तो उसके बेसिन में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उस नदी के पानी की वजह से, वो भी आ जाएगा। तो वो एग्रीकल्चरल लैंड जहां पे उस नदी के पानी की वजह से एग्रीकल्चर हो रहा है, वो भी आ जाएगा। वो जगह है जहां से इस अमेजोन नदी की ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं, वो भी उस जगह पे आ जाएगा। तो ये पूरा एरिया उसके बेसिन में आ जाएगा। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, दीज आर एक्चुअली स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर। द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया। ये इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स में लिख लें। और दुनिया में जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो एक्चुअली में अमेजोन बेसिन है, आपको यहां पे नजर आ रहा है दोस्तों। अब हम यहां पे बात करते हैं दोस्तों कि ये जो अमेजोन नदी है, ये कौन कौन सी कंट्रीज से होके गुजरती है, इसको हमने देखना है कि कौन कौन से कंट्रीज से होके ये अमेजॉन नदी गुजर रही है। तो भाई ये अमेजॉन नदी गुजर, देखिए इसका बेसिन कहां है, ब्राजील में ऑलमोस्ट 60% ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, तो ब्राजील में है इसका बेसिन, पेरू में है इसका बेसिन, कोलंबिया में है, वेनेजुएला में है, इक्वेडोर में है, बोलीविया में है, गुयाना में है, सुरीनाम में है, फ्रेंच गुयाना में है। इन कंट्रीज को हम लोग यहां पे भी देखते हैं। देखिए इक्वेडोर आपको यहां नजर आ रहा है, पेरू आपको यहां नजर आ रहा है, कोलंबिया यहां नजर आ रहा है, वेनेजुएला यहां नजर आ रहा है, ये ब्राजील तो बहुत ही बड़ी कंट्री है, बोलीविया यहां नजर आ रहा है, गुयाना यहां नजर आ रहा है, सुरीनाम यहां नजर आ रहा है, फ्रेंच गुयाना यहां नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी कंट्रीज के थ्रू इसका जो बेसिन है, जो ड्रेनेज बेसिन है, वो निकल रहा है अमेजॉन नदी का। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि अमेजॉन नदी काफी एक वाइड एरिया में रहती है। बहुत सारे लोग, अब तो टूरिज्म भी बहुत होने लगा है फ्रेंड्स अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, बहुत सारे लोग अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं वहां के जानवरों, वहां के डाइवर्सिफाइड प्लांट लाइफ को देखने के लिए। लेकिन देखिए अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का जो टूरिज्म है वो ब्राजील में थोड़ा कम है, क्योंकि ब्राजील को थोड़ा सा अनसेफ माना जाता है, लोग पेरू में ज्यादा जाते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के, मतलब आप कह सकते हैं ना डायवर्सिटी वगैरह को देखने के लिए। आप क्लाइमेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, अमेजॉन बेसिन ये पूरा का पूरा इक्वेटर के पास है,
तो यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी के चक्कर में यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल बहुत होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया। अब जब कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है तो पूरे थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड वेट क्लाइमेट आपको यहाँ पे मिलेगा। दिन भी गर्म होंगे और ह्यूमिड होंगे, रातें भी गर्म होंगी ह्यूमिड होंगी। ह्यूमिड मतलब कि जो आपकी हवा है उसमें कंपेरेटिवली वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा, इसलिए स्किन आपकी स्टिकी फील करेगी। स्टिकी क्यों फील करेगी, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो पसीना है वो उड़ेगा नहीं, हवा आपके पसीनों को सोखेगी नहीं, तो आपको वो जो कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना हवा से वो मिलेगा नहीं, इसलिए आपकी स्किन स्टिकी फील करेगी, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा। ओके, डे टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। रात में टेम्परेचर भले थोड़ा नीचे आ जाए लेकिन ह्यूमिडिटी तब भी ज्यादा होती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट की फोटो यहाँ पे फिगर 8.3 में आपको हल्की फुल्की नजर आ रही है। अब रेन फॉरेस्ट की बात कर ले, चूंकि इस इलाके में पानी बहुत ज्यादा बरसता है दोस्तों, इसलिए जो जंगल है यहाँ पे बहुत घने जंगल है। 8.3 में आपको हल्का फुल्का नजर आ रहा होगा कि जंगल बहुत घने हैं। अच्छा, इन जंगलों की जो रूफ है ना, जो कैनोपी बनती है ना इनके ट्रीज की, वो कैनोपी बहुत बड़ी होती है। जैसे पेड़ है उसकी कैनोपी बहुत बड़ी होगी, आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वो कैनोपी पूरा का पूरा ग्राउंड को ढक देती है। तो भाई जो सनलाइट है ना वो उस कैनोपी को पेनिट्रेट करके जमीन को छू ही नहीं पाती, मतलब कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की जो जमीन है वहां तक सनलाइट पहुंचेगी नहीं, उस कैनोपी सनलाइट को रोक देगी। तो जो ग्राउंड है वो हमेशा डार्क होगा, डैम्प होगा, हल्का हल्का वेट होगा। तो जो शेड टॉलरेंट वेजिटेशन है, यानी वो वेजिटेशन जो बिना सनलाइट के सर्वाइव कर सकता है, वो यहाँ पे ज्यादा मिलता है। इसमें ऑर्किड्स मिलेंगे आपको, ब्रोमेलाइट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब ये ब्रोमेलाइट्स क्या होते हैं, देखिए ब्रोमेलाइट्स कुछ ऐसे स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी लीव्स में पानी को स्टोर कर रख लेते हैं, और जो फ्रॉग्स टाइप के एनिमल होते हैं वो इन्हीं पॉकेट्स ऑफ वाटर में अपने अंडे देखते हैं। ब्रोमेलाइट्स टाइप के एक प्लांट का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, देखिए एक तरीके का ब्रोमेलाइट पॉइंट है। इसके आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियां लीव्स कुछ ऐसी हैं कि बीच में जगह बन रही है जहां पे पानी स्टोर हो सकता है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स आपके ब्रोमेलाइट्स। ओके, आगे चलते हैं। फिर इस रेन फॉरेस्ट में आपको बहुत अलग अलग तरीके की फ्लोरा और फौना मिलेगी। फौना में देख लेते हैं, बर्ड्स मिलती है, टॉकन्स, तो ये टॉकन्स आपको दिख रही है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि इन टॉकन्स की जो चोच है बहुत बड़ी है। बहुत सारी हमिंग बर्ड्स मिलेंगी, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, इसको आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। यहाँ की जो बर्ड्स हैं इनकी जो बिल्स होते हैं ना, जो उनकी चोंच होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। नॉर्मल अगर आपको जो इंडिया में बर्ड्स मिलेंगी उनकी चोंच बड़ी नहीं मिलेगी, अगर आपको बड़ी चोंच वाली बर्ड्स देखनी है तो आपको वेस्टर्न घाट्स में जाना पड़ेगा। वेस्टर्न घाट्स में फिर भी थोड़ी बहुत बड़ी चोंच वाली आपको बर्ड्स मिल जाएंगी। नॉर्मल केसेस में जो आप प्लेन एरियाज में या जो कोस्टल एरियाज में जो बर्ड्स देखते हैं उनकी चोंच ज्यादा बड़ी होती नहीं है, बट इन रेन फॉरेस्ट में और इन वेस्टर्न घाट्स में लंबी चोंच वाली बर्ड्स मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपने आप को वहां पे सर्वाइव करने के लिए, अपने खाने को पकड़ने के लिए बड़ी चोंच की जरूरत पड़ती है। ये बर्ड्स भाई आपके फॉरेस्ट में बहुत सारा नॉइज भी करती हैं। फिर एनिमल्स किस किस तरीके के मिलेंगे, तो मंकी मिलेंगे, स्लॉथ मिलेंगे, एंट ईटिंग तपीर्स मिलेंगे यहाँ पे। फिगर 8.5 में एंट ईटिंग तपीर ये दिखा रखा है आपको, इस तरीके के जानवर मिलते हैं वहां पे। बहुत अलग अलग तरीके के रेप्टाइल्स और स्नेक्स भी मिलते हैं इन जंगलों में, बहुत मिलते हैं भाई, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन सब पाए जाते हैं। एनाकोंडा पूरा पूरा आदमी निकल सकता है वो मिलता है, बोआ कंस्ट्रिक्टर, ये सब तरीके की स्पेशीज आपको मिलती हैं। इनकी फोटोज देखनी है, आप गूगल पर सर्च मारिए, एकदम फोटोज आपको सब दिख जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च मारिए दिख जाएंगे। तो भैया ये जो अमेजॉन बेसिन है ना भाई, बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी मिलती है। थाउजेंड्स ऑफ स्पेशीज ऑफ इंसेक्ट्स मिलेंगी, सेवरल स्पेशीज ऑफ फिशेज मिलेंगी, और कुछ ऐसी फिशेज भी मिलती है जो फ्लैश खाती है, जैसे पिराना फिश है ये फ्लैश खाती है, ये भी इस नदी में मिलती है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी अमेजॉन नदी में। नेशनल ज्योग्राफिक में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पे, आप चाहें तो उनको जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सी ऐसी ये डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। अब अगर हम लोगों की बात करें जो कि इन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, तो भाई देखिए लोग ऑब्वियसली यहाँ पे बात क्या करेंगे, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसको आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हो इंडिया में। इस कल्टीवेशन के बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो अपना खाना जगहों को क्लियर करके बनाते हैं। मेन है वो भाई हंट करते हैं, फिश करते हैं रिवर्स में, और वुमेन क्रॉप्स उगाती हैं, ठीक है। ये जो वुमेन जो क्रॉप्स उगाती है उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी, तो भाई टपियोका उगाती हैं, पाइनएप्पल उगाती हैं, स्वीट पोटैटो उगाती हैं। ओके, हंटिंग और फिशिंग यहाँ पे थोड़ी अनसर्टेन है, किसी दिन कोई जानवर मरा, किसी दिन कोई जानवर नहीं मरा, ठीक है। तो वुमेन्स पे ये लोग ज्यादा डिपेंडेंट है अपने खान पान को मेंटेन करने के लिए। तो इमेजिन रेन फॉरेस्ट में भी हंटिंग फिशिंग पे तो डिपेंडेंट है ही ये लोग,
साथ साथ लेडीज जो खाना पकाती हैं, जो वेजिटेबल्स पकाती हैं, उसको खा के भी ये लोग जिंदा रहते हैं। तो कम से कम इनको एक कहते हैं ना कि कन्वीनियंट सोर्स ऑफ, एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनको खाने का मिल जाता है यहाँ पर। ये लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। अब सवाल आता भाई स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? तो देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में ये लोग क्या करेंगे कि एक लैंड को पहले वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उस लैंड के सारे पेड़ सारे पौधों को काट देंगे, स्लैश कर देंगे, कट कर देंगे। फिर वो ट्रीज पौधे जब वहां पड़े होंगे ना उनको जला देंगे। तो जलने से क्या होगा कि उन ट्रीज में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल में रिलीज हो जाएंगे, तो सॉइल थोड़ा सा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। फिर उस सॉइल पे वो लोग बहुत साल तक अपने एग्रीकल्चर, अपने प्लांट्स को उगाएंगे, खाने पीने की चीजों को उगाएंगे। फिर कई साल तक उगाने के बाद, 5-6 साल तक उगाने के बाद, 10 साल तक उगाने के बाद, वो सॉइल अपना न्यूट्रिशियस कंटेंट खो देगा। तो जब वो सॉइल अपना न्यूट्रिशन कंटेंट खो देगा तो वो उस लैंड को छोड़ देंगे, अबेंडन कर देंगे और किसी और प्लॉट पे चले जाएंगे इसी एक्टिविटी को रिपीट करने के लिए। और उस लैंड को जिसको ये लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं उसको 15 से 25 सालों के लिए छोड़ देंगे। और कहा जाता है कि 15 से 25 सालों में नेचुरली वो अपने फर्टाइल नेचर को फिर से बना लेगा, ठीक है ना। तो इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड, पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टीवेटिंग इन अगेन। यानी एक जगह पे जहां पे उन्होंने कल्टीवेशन कर लिया, उसको कल्टीवेशन करने बाद जब वहां का सॉइल अच्छा नहीं रहा तो उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह चल गए अपना वही स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए, और उस जगह ने 15 से 25 सालों में अपने फर्टिलिटी को फिर से रीगेन कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों, ये जो रेन फॉरेस्ट है ना, इनको हजारों साल लगते हैं बनने में। अगर आपने रेन फॉरेस्ट को साफ कर दिया ना, तो भले ही बाद में आप उस जमीन पर थोड़े बहुत पौधे उगा लो, पर वहां पर रेन फॉरेस्ट नहीं उगेंगे। इसीलिए रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कहा जाता है ना कि अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, भाई इतनी ऑक्सीजन ये लोग छोड़ते हैं दुनिया भर की। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि रेन फॉरेस्ट अगर आपने कहीं पे क्लीन कर दिए तो उन रेन फॉरेस्ट को उगाना दोबारा मुश्किल हो जाता है। हाँ छोटे मोटे प्लांट पौधे आप उगा सकते हो, लेकिन जो चीज रेन फॉरेस्ट कर सकती है वो छोटे छोटे प्लांट पौधे नहीं कर सकते। फिर ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, इनका स्टेपल फूड होता है मेनियोक, इसको कसावा भी बोलते हैं। पटेटो की तरह, जैसे पटेटो को नहीं जमीन के नीचे उगाया जाता है, उस तरीके से कसावा ग्रो करता है। कसावा कैसा लगता है देखिए, कुछ इस तरीके का होता है कसावा, कुछ कुछ शकरकंद जैसा लग रहा होगा आपको ये। तो इस तरह ये वहां का स्टेपल फूड है, बहुत खाते हैं लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट के ये फूड। फिर आगे देखा जाए दोस्तों, तो भाई ये लोग क्वीन एंट्स भी खाते हैं, एग सैक्स भी खाते हैं, कैश क्रॉप्स उगाते हैं ये लोग, कॉफी मेज कोकोवा उसको बेचते भी हैं, खाते भी हैं। फिर भैया देखिए रेन फॉरेस्ट है तो लकड़ियों की तो कोई कमी है नहीं, सब ट्राइबल लोग कम है, लकड़ियां ज्यादा है, तो वो आराम से अपने घर बना के रहते हैं। तो कुछ लोग अपने थेस्ट हाउसेस छोटी छोटी कुटिया सी बना लेंगे बीहाइव्स टाइप की, कुछ लोग भैया बड़े बड़े अपार्टमेंट टाइप हाउस बनाएंगे, जैसे मलोका। मलोका तो बिल्कुल आपको आलीशान टाइप दिखेगा, देखिए मलोका दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा भाई मलोका, अमेजन रेन फॉरेस्ट में भाई इस तरीके के घर बना के लोग रहते हैं। देखिए क्या जबरदस्त आलीशान टाइप का घर लग रहा है ये, तो इस तरीके के घरों में लोग वहां पे रहते हैं। इतना तो भैया आप समझ सकते हैं कि उन ट्राइबल में भी जो अमीर टाइप के लोग रहा करते होंगे वो इस तरीके के घर बनवा के रहते होंगे। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में इस तरीके की हैबिटेशंस आपको मिल जाएंगी, छोटी छोटी कुटिया भी मिल जाएंगी और इस तरीके के घर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं भाई, उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे बदल रही है। पहले तो क्या होता था कि जो अमेजन बेसिन था वो बहुत ज्यादा डेंस था, और अगर आपको फॉरेस्ट के बिल्कुल हर्ट में, फॉरेस्ट के बिल्कुल डीप जगहों पर पहुंचना था, तो केवल रिवर ही एक तरीका होती थी जिसके थ्रू आप अमेजन की डीप जगहों पर बदल सकते थे। अब देखते हैं कुछ इसको, आप एक बार अगर आप इसको एरियल व्यू से देखोगे तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब इस फोटो को देखिए दोस्तों, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट है और इनके बीच में से ये अमेजन नदी बह रही है, बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती रहती हैं। अब क्या है कि आप बोट लेके इस नदी में चलिए और इस बोट के थ्रू इस नदी में आप चलते जाएंगे और जो बिल्कुल ही डेंस इलाके होंगे ना, बिल्कुल हर्ट जो कहा जाएगा, जो दिल कहा जाएगा, जो बीच का डेंस इलाका कहा जाएगा इस जंगल का, पहले लोग केवल इन नदियों के माध्यम से उस डेंस इलाके में पहुंच पाते थे। लेकिन अब तो पूरा का पूरा हाईवे बना दिया गया फ्रेंड्स बीच से, तो उस हाईवे के थ्रू आप अमेजन रेन फॉरेस्ट को एक्सेस कर सकते हो, उसके हर्ट को एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, जंगलों को काट काट के बीच में इस तरीके की सड़कें निकाल दी गई हैं। ये एक ट्रांस अमेजन हाईवे का एक छोटा हिस्सा है, देखिए आप इन फॉरेस्ट के बीच से गाड़ियां निकल रही हैं। तो अब इन जंगलों को काट कर बीच बीच में से हाईवे निकाल दिए गए हैं। पहले ये हाईवे नहीं थे, सिर्फ जंगली जंगल थे, तो पहले कुछ ऐसा दिखता था कि भैया इस जंगल के किसी भी हिस्से में पहुंचना हो तो इस नदी में आप बोट लेके जाएंगे और उस हिस्से में पहुंचेंगे।
लेकिन अब आप इन हाईवेज को एक्सेस करके जंगल के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। तो 1970s में इस ट्रांस अमेजोन हाईवे को बनाया गया। इससे भाई रेन फॉरेस्ट को बहुत तबाही भी हुई, बट अब क्या कर सकते हैं भाई, अब इंसान है तो इंसान अपने फायदे के लिए चीजें तो करेगा ही, उससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा ही। अब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मदद से भी अलग अलग जगहों पर पहुंचा जा सकता है। तो भाई हेलीपैड्स बना रखे हैं कि हेलीकॉप्टर छोड़ के आप जगह जगह पर चले जाओगे। और जब इस तरीके से चीजों को बनाया गया तो कुछ जगहों को खाली किया गया। उन जगहों पर बहुत सारी इंडिजीनियस पॉपुलेशन रहती थी, उस इंडिजीनियस पॉपुलेशन को एरिया से निकाल के किसी दूसरी जगह पर सेटल किया गया। वहां पे भी वही अपनी डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग वो लोग करने लगे, क्योंकि वो तो जंगल के लोग हैं, वो जंगल में रहते हैं, जंगलों की तरह रहते हैं, समझ गए। अब देखिए, ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, ये भले ही इंसान के एक्सेस को बढ़ा रही है रेन फॉरेस्ट में, लेकिन ये बायोलॉजिकली डाइवर्स जो रेन फॉरेस्ट इनको डिस्ट्रॉय कर रही है। और ये केवल अमेजन रेन फॉरेस्ट में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया भर के रेन फॉरेस्ट में हो रहा है। बड़े बड़े जो ट्रैप्स है रेन फॉरेस्ट वो डिसअपीयर हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बार रेन फॉरेस्ट डिसअपीयर हो गए ना, तो उनको आप दोबारा नहीं उगा पाओगे। वो बहुत नेचुरली उगते हैं और हजार साल लग जाते हैं उनको उगाने में। यानी अभी अगर आप रेन फॉरेस्ट उड़ा दोगे तो फिर आप सोचो कि हम आर्टिफिशियली रेन फॉरेस्ट बना लेंगे, आप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे इन फोटोज में आपको दिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट कैसे होता है। सबसे पहली फोटो आपको नजर आई यहाँ पे, भाई रेन फॉरेस्ट ही रेन फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे। फिर एक ये वाला काट दिया गया, इधर के काट दिए गए, तो आप कुछ इस तरीके का जो डिग्रेडेड लैंड आपको नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप रेन फॉरेस्ट को काटते जाओगे और उसको किसी दूसरी चीज में प्रयोग करते जाओगे, वैसे वैसे वो डिग्रेड करते जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे इसके, आप देखिए ये हैवी रेनफॉल का इलाका है, पेड़ हटे तो नीचे का जो सॉइल है वो एक्सपोज हो जाएगा पानी को। पानी गिरेगा वो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, तो अंडरग्राउंड वाटर एक्विफायर से ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी नहीं होगा पहली बात, और दूसरी सॉइल इरोजन ज्यादा होगा तो वो जो जमीन है वो बैरन हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो धीरे धीरे करके जो लश फॉरेस्ट होता था वो एक दिन बैरन लैंडस्केप में बदल जाएगा, अगर अभी की जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है वो वैसी की वैसी चलती रही तो। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में लाइफ देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा की नदियों की बात करोगी तो देखिए नदी रिवर्स ऑफ इंडिया पे मैंने पूरी की पूरी एक अलग प्लेलिस्ट ही बना रखी है अपने चैनल में। अगर आप रिवर्स ऑफ इंडिया की ट्रिब्यूटरीज देखना चाहते हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मा की ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी, कृष्णा, ये जो बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स हैं, रिवर्स हैं इंडिया की, अगर इनकी ट्रिब्यूटरीज को आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको रिवर्स ऑफ इंडिया की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाइए, आपको सारी रिवर्स मैंने वहां पे समझा रखी। तो देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्रा और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये लाई करता है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं घग्गर, सोन, चंबल, गंदक, कोसी। ठीक है, तो ये कुछ गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे फिगर में आपको ये थोड़ी बहुत नजर भी आ रही है, और कुछ ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखिए, अगर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सी होंगी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, एक आपको डायग्राम के थ्रू मैं ये दिखाता हूँ। देखिए इस फिगर में आपको ब्रह्मा की ट्रिब्यूटरी नजर आ रही है, ब्रह्मपुत्रा की, ऊपर से नीली नीली रंग की लाइन आ रही है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है जलदखा, फिर रायदक, फिर मानस, फिर कामेंग, फिर दिबांग, फिर लोहित, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। फिर धनसिरी, तो धनसिरी, दिबांग, कमिंग, मानस, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज जो इस फिगर में आपको दिख रही है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। और इसी फिगर में आपको गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज दिख रही है, तो यमुना दिख रही है, गोमती दिख रही है, घग्गर दिख रही है, गंडक दिख रही है, कोसी दिख रही है, हुगली दिख रही है, सारी नदियां आपको यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, सोन दिख रही है। नदियां इस टॉपिक में डिस्कस नहीं हो रही, अगर नदियां देखनी है तो आप मेरे प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए, नदी पूरी आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अपने एटलस को साथ में लेके बैठिए और इन अपने एटलसेस में इन नदियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। इसी गंगा का ब्रह्मपुत्र बेसिन को जब आप अपने इंडिया के नक्शे में देखोगे तो यहीं पे सुंदरबन डेल्टा भी बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया भर का, बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स भी बनती हैं। ये जो एरिया है ये मानसून क्लाइमेट से डोमिनेटेड है, यहाँ पे भयंकर बारिश होगी मिड जून से मिड सेप्टेम्बर के बीच में। ये साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। इस इलाके में जो गर्मियां होती हैं बहुत गर्म होती हैं, जो ठंडियां होती हैं वो होती हैं कूल। ओके, अगर रिवर ब्रह्मपुत्रा की बात करो तो भाई इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो क्या है, तिब्बत में यानी कि चाइना में इस ब्रह्मपुत्रा का नाम है यारलुंग सांगपो। ठीक है, यानी कि YARLUNGTSANGPO,
इंडिया में जब ये घुसती है तो इसको आप बोलोगे सियांग, जब ये इंडिया में घुसेगी इस नदी को। बाकी इंडिया में ब्रह्मपुत्र तो बोली जाती है, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी घुसेगी बांग्लादेश में तो इसका नाम पड़ेगा जमुना, जे ए एम यू एन ए। और ये जमुना बांग्लादेश में मिल जाएगी पद्मा से। पद्मा को इंडिया में क्या बोलते हैं दोस्तों, पता है? पद्मा को इंडिया में बोलते हैं गंगा। समझ गए दोस्तों? तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट नाम बताए हैं। अब यहां पे एक छोटा सा फैक्ट है कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। लेफ्ट में दिख रहा है आपको ग्लॉसरी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्संस दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग बोलते हैं रहते हैं उसको आप बोलोगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी है 189, वेस्ट बंगाल की है 1029, बिहार की है 1102। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल और बिहार। अभी जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन एरिया फ्रेंड्स, इसकी बहुत अलग अलग टोपोग्राफी है। इसमें बहुत सारे माउंटेनियस एरियाज मिलेंगे, खासकर नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत सारे माउंटेनियस एरियाज मिलेंगे। आपको इसमें प्लेन एरियाज भी मिलेंगे। तो जो प्लेन एरियाज बनते हैं जहां पे रहने के लिए चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जो माउंटेनियस एरियाज आएंगे आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, भाई वहां पे जो जगह मिलेगी वो बहुत हैफाजार्ड होगी, इनहॉस्पिटेबल टेरेन होगी। तो माउंटेनियस एरियाज में ज्यादा लोग रहते नहीं है, रहते हैं बट कम लोग रहते हैं। लेकिन जो प्लेन एरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। यहाँ पे सॉयल फर्टाइल होता है, लोग एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, बहुत सारे लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं। इवन जो इंडस्ट्रीज वगैरह भी सेटअप होती है ना वो प्लेन एरियाज में सेटअप होती है। इन प्लेन एरियाज में पैडी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। पैडी मतलब राइस। राइस को यहाँ उगाया जाता है क्यों? क्योंकि देखिए राइस को उगने में पानी की बहुत जरूरत होती है और जहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र बह रही है वहां पे पानी अच्छा खासा है। तो ऑब्वियसली बात है पानी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो पैडी कल्टीवेशन इस एरिया में बहुत ज्यादा होता है, खासकर ब्रह्मपुत्र बेसिन के, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के प्लेन एरियाज में पैडी कल्टीवेशन अच्छे खासे अमाउंट में होता है। ओके, और कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में? तो व्हीट उगाया जाएगा, मेज, सोरघुम, ग्राम, मिलेट, सब कुछ उगाया जाता है। फिर कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन, जूट भी उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन मिल जाएंगे आपको इस प्लेन एरियाज में, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। फिर वेस्ट बंगाल और आसाम में टी भी उगाई जाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और आसाम में जहां पे थोड़ी हल्की सी ग्रेजुअल स्लोप होगी वहां पे टी उगाई जाएगी। सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है बिहार और आसाम में। सिल्क कैसे प्रोड्यूस हो जाता है? तो सिल्क वॉर्म जो कल्टीवेशन होता है मैं पहले के एनसीईआरटी में कवर कर चुका हूं आपको। ओके, तो देखिए आपने देखा कि जहां अलग अलग लैंडफॉर्म्स है वहां पे वेजिटेशन अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि हल्की ग्रेजुअल स्लोप पे आप टी कॉफी उगा सकते हो, प्लेन एरियाज में आप राइस व्हीट उगाओगे। तो इस तरीके से जगह जगह के हिसाब से जो वेजिटेशन है वो भी हल्की फुल्की बदलती जाएगी। अगर आप फॉरेस्ट की बात करो, ट्रीज की बात करो, तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरियाज में आपको डेसीडुअस ट्रीज मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो मेजॉरिटी एरिया है वो डेसीडुअस ट्रीज ऑक्यूपाई करते हैं फॉरेस्ट का। तो ये जो डेसीडुअस ट्रीज है इसमें टी, सॉल और पीपल मिलेगा आपको। थिक बैम्बू ग्रोव्स भी मिल जाएंगे आपको इस ब्रह्मपुत्र प्लेन में। ओके, यहां पे देखिए पैडी कल्टीवेशन दिख रहा है आपको फिगर 8.9 में, और 8.10 ये टी गार्डन दिख रहा है आपको एक आसान में। फिर जो ये डेल्टा एरिया है, इस डेल्टा एरिया में आपको बहुत सारे मैनग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे। मैनग्रोव्स को तो मैंने आपको पहले ही बताया। मैनग्रोव्स कहां बनते हैं दोस्तों? मैनग्रोव्स वहां बनते हैं जहां पे फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से मिलता है। तो जहां पे भी फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से मिलेगा वहां बनेंगे आपके मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, मेरे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब, अब चूंकि ये पहाड़ी इलाके हैं यहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है तो यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे अलग तरीके के। तो पाइन मिलेगा, दियोदार मिलेगा, फर मिलेगा। क्लाइमेट यहाँ पे कूल है और स्लोप्स यहाँ पे स्टीप पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ की वैरायटी मिलेगी इस बेसिन में फ्रेंड्स आपको। एलिफेंट्स मिलेंगे, इनफैक्ट जो आसाम भूटान के आसपास का जो इलाका है ना ब्रह्मपुत्र बेसिन का, वहां तो जबरदस्त वाइल्ड लाइफ मिलती है। तो एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज सब मिलेंगे। जो वन हॉर्न राइनोसेरोस है ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलता है। डेल्टा एरिया में आपको बंगाल टाइगर मिल जाएंगे, क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे, एलिगेटर्स मिल जाएंगे। अब सवाल आता है कि भाई ये एलिगेटर्स क्या होते हैं? ये एलिगेटर्स कुछ कुछ दोस्तों देखिए क्रोकोडाइल की तरह होते हैं। यहाँ पे इस फिगर में आपको एक एलिगेटर नजर आ रहा है। तो इस तरीके की स्पेशीज इन जगहों पे मिलती हैं फ्रेंड्स। फिर जो पॉपुलर वेराइटीज है यहाँ पे फिशियों की, मछलियों की, तो वो है रूहू, कतला, हिल्सा। ये रोहू हिल्सा तो बहुत खाई जाती है वेस्ट बंगाल में, पूरे इंडिया में खाई जाती है फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल की क्या बात की जाए। फिश और राइस इस बंगाल रीजन का स्टेपल डाइट है, खासकर ब्रह्मपुत्र प्लेन का स्टेपल डाइट है ये फिश और राइस। ये देखिए 8.11 में आपको वन हॉर्न राइनोसेरोस दिख रहा है, इसका एक हॉर्न है आगे की तरफ। यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल दिख रहे हैं फिगर 8.12 में। अगर आप इनको फोटोज देखना चाहते हैं गूगल पे सर्च मारिए, इतनी फोटोज मिलेंगे कि आपको देख देख के जी भर जाएगा। यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको टेरेस फार्मिंग दिख रही है।
देखिए माउंटेनियस एरियाज में टेरेस फार्मिंग होती है क्योंकि वहां पे स्टीप ऐसे हिल है। अब स्टीप हिल पे तो आप पौधे लगा नहीं सकते, तो इसको कुछ इस तरीके का आप बनाते हो ऐसे। आप कैसा बनना देखिए, यहाँ पे अलग अलग स्लोप्स बना रखी हैं इस टेरेस फार्मिंग वाले। इस फिगर को ध्यान से देखिए, जैसे जैसे पानी नीचे आएगा छोटे 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 भले ही छोटे छोटे उन्होंने एक स्टेप से बना दिए, उन स्टेप्स पे ये छोटे छोटे पौधों की प्लांटिंग कर सकते हैं। तो टेरेसेस बना रखी हैं इस स्टीप स्लोप पे और इन टेरेसेस पे वो पौधे उगाएंगे। तो टेरेसेस बना से होगा क्या, एक तो जब इस सरफेस के ऊपर से पानी बहेगा वो पानी तुरंत नहीं बहेगा, क्योंकि टेरेसेस बने हुए हैं तो पानी का एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे प्लांट्स को पानी मिल जाएगा। तो टेरेसेस बनाने से दो चीजें हो रही है, एक तो सॉइल इरोजन कम हो रहा है, दूसरे प्लांटिंग कर रहे हो आप चीजों की, तीसरा जो पानी का जो रन ऑफ है, जो सरफेस रन ऑफ है पानी का, वो धीमे हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हो रहे हैं टेरेस कल्टीवेशन के, टेरेस फार्मिंग के। फिर रिवर गंगा में और रिवर ब्रह्मपुत्रा में एक डॉल्फिन मिलती है जिसका बोला जाता है सुसु डॉल्फिन, इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोला जाता है, सुसु बोलते हैं इसको, SUSU। एक्चुअली ये सुसु डॉल्फिन कुछ इस टाइप की है कि अगर ये आपको दिख रही है पानी में तो आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो कि जो पानी की जो हेल्थ है जो रिवर की वो अच्छी है। ये सुसु डॉल्फिन लेटली बहुत खत्म हो रही है फ्रेंड्स, रिसेंटली ये रिपोर्ट आ रही है बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में ये सुसु डॉल्फिन मर रही है, क्योंकि आसपास की जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के चलते जो नदियों का पानी है वो गंदा हो रहा है, और अगर नदियों का पानी गंदा होगा तो ये डॉल्फिन मर जाएंगी। तो सुसु डॉल्फिन इज अ बिग इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर्स इन दिस, स्पेशली इन दिस गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। फिर यहाँ पे केस स्टडी है, लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बिहार में एक मतवाली मऊ विलेज है, वहां पे विनोद नाम का एक फिशरमैन है। वो एक खुश आदमी है आज, क्यों, क्योंकि उसने कुछ और फिशरमैन के साथ मिलकर, उसके दोस्त फिशरमैन है रविंदर, किशोर, राजीव, उसके साथ मिलकर एक ऑक्सपो लेक में उसने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश को उगाना शुरू किया। अब ऑक्सपो लेक क्या होती है, पिछली वीडियो में कैसे ऑक्सपो लेक बनते हैं मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से डायग्राम में फिगर्स के थ्रू दिखाया था। तो जब वहां पे अपने गांव में उसकी ऑक्सबो लेक थी, उस ऑक्सबो लेक पे उसने फिश का कल्टीवेशन शुरू किया, और उस ऑक्सबो लेक में नेचुरली एक लोकल वीड ग्रो करती थी जिसका नाम है वेलिनेरिया हाइड्रेला। तो इस लोकल वीड को खा के वो फिश जिंदा रहती थी, और जो लेक है वो काफी फर्टाइल है, जो लैंड है उस लेक के पास का वो काफी फर्टाइल है। तो उस लैंड में भाई राइस की खेती, मेज की खेती, मक्के की खेती, दाल की खेती होती है। तो भाई ये जो फिशरमैन है वो पौधे भी उगा रहे हैं, ये फिशरमैन फिश को भी पकड़ रहे हैं, तो फिश इनके खाने के लिए भी हो रही, तो इनको भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, फिश को ये जाके मार्केट में भी बेच रहे हैं, प्लस उसके आसपास के लैंड पे ये लोग एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। तो ये लोग काफी खुश हैं क्योंकि इनका जीवन यापन अच्छी तरीके से चल रहा है, और तब तक चलता रहेगा जब तक आसपास की फैक्ट्री से पॉल्यूशन इस ऑक्सबो लेक तक ना पहुंच पाए। अगर ऑक्सबो लेक में आसपास की फैक्ट्री से पॉल्यूशन पहुंच गया तो इस ऑक्सबो लेक की जो फिशेज है वो मर जाएंगी, आसपास की जमीन का जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाएगा, तो जो प्लांट कल्टीवेशन है वो भी नहीं होगा। और इस तरीके की चीजों से बहुत सारे फार्मर्स हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में सफर कर रहे हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, बहुत सारे फार्मर्स इन सब चीजों की वजह से सफर कर रहे हैं आज के डेट में। सफाई की बात की जाए तो भैया यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज को अचीव करने के लिए प्रोग्राम चलाया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, 2 अक्टूबर 2014 में इस प्रोग्राम का नाम था स्वच्छ भारत मिशन। अब आगे चलते हैं, देखिए इसी गंगापुत्रा ब्रेन में बहुत सारे बड़े बड़े टाउन भी बने हुए हैं। तो भाई इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इन जगहों से बहुत सारा वेस्ट पानी इन रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाता है, बहुत सारा लोकल वेस्ट, बहुत सारा म्युनिसिपल वेस्ट, यानी कि जो लोगों के घर में कचरा इकट्ठा हो रहा है वो भी फेंक देंगे, जो इंडस्ट्रियल कचरा इकट्ठा हो रहा है वो भी फेंक देंगे। तो इस वजह से चलते, इस चीजों के चलते ये जो नदियां हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही हैं दोस्तों, जिस चीज को रोकने की जरूरत है। और इसलिए हमारी गंगा को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया था हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता, तो भैया चारों तरीके के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। चारों तरीके के ट्रांसपोर्ट क्या है, एक तो हो गया रोडवेज, एक हो गया रेलवेज, एक हो गया वाटरवेज, एक हो गया एयरवेज। ओके भाई, रोडवेज रेलवेज लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटरवेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। अब बताइए कौन सा नेशनल वाटरवे इस गंगा नदी पे बना हुआ है, एक सवाल है आपसे, कौन सा नेशनल वाटरवे गंगा नदी बना हुआ है, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे बताइए। फिर एक कलकत्ता इंपॉर्टेंट पोर्ट है इस रिवर हुगली पे, ओके। इसके प्लेन एरियाज में एयरपोर्ट भी है, तो भाई एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, उड़ान स्कीम के चलते भाई जबरदस्त एयरपोर्ट आ रहे हैं पूरे देश भर में।
टूरिज्म भी अच्छा खासा हो रहा है इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स की बात की जाए तो यमुना नदी में ताजमहल है आगरा में, अलाहाबाद में गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस है, लोग उसे देखने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार, खासकर बिहार में बोधगया में बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा है, लखनऊ में इमामबाड़ा है, आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहां पे लोग आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल कल्चर को देखने के लिए लोग आते हैं। तो भाई बहुत जबरदस्त टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज भी है और ये टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती है दोस्तों, क्योंकि इन टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज से लोकल लोगों की जो लाइवलीहुड है वो चलती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट फैसेट्स को मैंने क्लियर कवर किया है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये करने में आपका देखिए कुछ जाएगा नहीं। हो सके तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपके काम आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, कोविड से बचें, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।